दक्षिणी कुवैत के मंगाफ क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में केरल के रहने वाले श्रीहरि की मौत हो गई है। उनके पिता प्रदीप ने अपने 27 वर्षीय बेटे के हाथ पर बने टैटू से उसके शव की पहचान की। प्रदीप ने बताया कि कुवैत के अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल के शवगृह में रखे एक शव की पहचान करने के लिए बुलाया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान की। प्रदीप ने गुरुवार को कुवैत में एक मलयालम समाचार चैनल को रोते हुए बताया, जब मैं वहां उसका चेहरा देखा तो वह पूरी तरीके से सूजा हुआ था और नाक पर कालिक लगी हुई थी। ऐसे में मैं अपने बेटे के शव की पहचान नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने अधिकारियों को बताया कि उसके हाथ पर एक टैटू है और उसी के आधार पर श्रीहरि की पहचान की गई। श्रीहरि पिछले सप्ताह 5 जून को ही केरल से कुवैत गया था। वह और उसके पिता दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। प्रदीप पिछले 8 सालों से कुवैत में काम कर रहा था। इससे पहले दिन में परिवार के एक मित्र ने बताया कि श्रीहरि एक सप्ताह पहले ही कुवैत वापस लौटा था, लेकिन अब उसकी मौत की खबर गांव पहुंची है। उन्होंने कहा कि कुवैत लौटने के मुश्किल से एक हफ्ते बाद ही हमें श्रीहरि की मौत की जानकारी मिली। हमें कल दोपहर को इस बारे में पता चला। विभिन्न समाचार चैनलों पर इस त्रासदी की खबरें प्रसारित होने के बाद श्रीहरि के पिता ने हमें इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंतरिक अभियंता बनने से पहले श्रीहरि ने कुवैत की एक सुपरमार्केट में भी काम किया था। श्रीहरि के परिवार के एक दोस्त ने कहा कि उसके पिता आज केरल लौट सकते हैं और कल श्रीहरि का पार्थिव शरीर भारत लाया जा सकता है। न तो केंद्र सरकार, न राज्य सरकार और न ही कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने आग के में मारे गए भारतीयों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि की है। कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 7 मंजिला इमारत की रसोई में बुधवार को आग लगने से 49 विदेशी मजदूरों की मौत हुई थी और 50 अन्य घायल हुए थे। मृतकों में करीब 40 भारतीय हैं। इमारत में 195 प्रवासी मजदूर रह रहे थे। गृह मंत्रालय और अग्निशामक विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग तड़के 4 बजे के बाद उस समय लगी जब इमारत में रहने वाले 196 श्रमिकों में से ज्यादातर लोग सो रहे थे। श्रमिकों में सभी पुरुष थे।